इंडोनेशिया के जावा प्रांत में आए भूकंप में अब तक 162 लोगों की मौत हो गई है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 रही। भूकंप का केंद्र जावा के सियानजुर में 10 किलोमीटर की गहराई में था। इंडोनेशिया में आए जबरदस्त भूकंप में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है, फंसे लोगों को ढूंढा जा रहा है। इंडोनेशिया के जिस इलाके में भूकंप आया है वहां 25 लाख से ज्यादा की आबादी है। भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से करीब 75 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में पहाड़ी पश्चिम जावा में सियानजुर शहर के पास मौजूद था। इंडोनेशिया में आए भूकंप में 2000 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, साथ ही 5300 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप की वजह से पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई है। संचार के दूसरे साधन भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इलाके में लैंडस्लाइड होने की वजह से लोगों को निकालने में भी परेशानी आ रही है। अस्पताल भूकंप पीड़ितों से भरे पड़े हैं, लिहाजा अस्पताल की पार्किंग में भी सैकड़ों पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। कुछ लोगों का इलाज आपातकालीन टेंट के नीचे भी किया जा रहा है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक अधिकारी अभी भी भूकंप से हुए नुकसान का अनुमान लगा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडोनेशिया में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।